रूफी साहब ज़रा तारुफ तो करवाएं ना जी। मेरे बिल्कुल दाएं जानब मेरी मिसेज हैं मुनीबा रऊफ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, उसके साथ मेरी बहू हैं उर्वा अहमद और उसके साथ मेरा बेटा अहमद सफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तौहीद पे बड़ा ईमान है मेरा, एक बीवी एक बहू एक बेटा एक बेटी एक दामाद अल्लाह एक रसूल एक नवासा। भाभी, जब आपकी शादी हुई तो रूफी साहब उन दिनों गजल गायकी के शौकीन थे। जी जी। फिर अचानक लाइफ 180 डिग्री पर घूम गई, ये तब्दीली कैसे आई? ये चेंज जो आई, रूफी की जो मदर थी वो तो शुरू से ही बहुत विलिंग थी रूफी के म्यूज़िक करने पे, और वो हमेशा कहा करती थी कि अल्लाह ताला इसको नात की तरफ ले आए, तो उनकी दुआएं भी थी। रूफी साहब से आप भी कभी नात की फरमाइश करती हैं? बहुत कम। वो क्यों? मैं बस कभी करूं भी तो कलाम इकबाल की करती हूं, और ऐसे रूफी के प्रोग्राम्स भी सुनती हूं तो वो ऐसे ही सुन लेती हूं। वैसे ही भर जाता है ऐसे जी ऐसे घर की दाल बराबर कह रहे घर की मुर्गी दाल बराबर भी, और फिर बिजी भी, रूफी भी इतने बिजी हैं तो रूफी जब प्रैक्टिस करते हैं तो तब मैं सुन रही होती हूं। मैं इनके क्रिटिक्स को बड़ी अहमियत देता हूं कि कंपोजिशन की भी जब कोई बात हो तो वे कहती हैं कि इसमें ये चीज़ कन्वे नहीं हो रही, तो जब इस तरह ये बात करती है ना तो वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब मैं उस नक्स को उस चीज़ को दूर करता हूँ तो फिर मुझे पता होता है कि ये आवामी लेवल के ऊपर जो है ना ये इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। यानी वो सिर्फ नुक्स निकालने के लिए उस वक्त कमेंट्स करती हैं, वैसे नक्स नहीं, इम्प्रूव करने के। तो उसके अलावा उनकी बात की अहमियत नहीं है? ये जो आप बात कर रहे हैं ये कहानी घर घर की है। हेडक्वार्टर है जनाब, ये सारे डायरेक्टर इधर से, सारे ऑर्डिनेंस इधर से जारी होते हैं। तो भाभी की तरह पसंद की कोई नात तो सुनाइए ना। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग, तेरे मुहित में हबाब। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। को अल्लामा इकबाल बहुत पसंद है। रूफी साहब आपसे किस चीज़ की ज़्यादा फरमाइश करते हैं? रूफी को बस यही होता है कि मेरे जो सारे जो मतलब मामलात रूफी ने जाना है, रूफी की तैयारी टाइम पे हो, सारा कपड़े रूफी के रेडी हों, कोई लेट ना हो, रूफी पंचुअल बहुत हैं, तो यही है कि घर में खाना भी टाइम पे, हर चीज़ टाइम पे, तो वो सारा कुछ फिर वो मैनेज करना तो लेडीज़ का ही काम होता है। बज़ाहिर तो रूफी साहब बड़े ठंडे मीठे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सा तो आता होगा। रूफी को गुस्सा जब रूफी ये सिबगत अल्लाह के रंग में जब नहीं रंगे थे तब बहुत आता था। अब रूफी बहुत मतलब दरगुजर कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, ज़्यादा गुस्सा नहीं आता अब। मियाँ बीवी में नोक झोंक तो फितरी सी बात है, आप में से नोक झोंक किस बात पर ज़्यादा होती है? हमारी नोक झोंक इसी बात पे होती है कि रूफी लेट हो जाए, मैं रूफी को लेट करवा दूँ, रूफी की तैयारी में कोई खाने में लेट हो जाए, रूफी ने जाना है, किसी को टाइम दिया हुआ है, मेरी वजह से रूफी लेट ना हो, तो इस बात पे थोड़ा बहुत होता है। अदरवाइज़ हमारी नोक झोंक भी पहले बहुत हुआ करती थी, अब मुझे लगता है बहुत कम होती है। अगर नाराज़गी हो जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? ज़्यादा तो मैं ही करती हूँ, लेकिन रूफी भी कर लेते हैं कभी कभी। घर की सजावट का तो आप दोनों को शौक़ है, लेकिन और कौन से अमूरे खानादारी हैं जिसमें रूफी साहब आपको हेल्प आउट भी करते हैं? रूफी फ्रूट, रूफी ख़ुद बहुत अच्छा ख़रीद के लाते हैं घर के लिए, मतलब कहते हैं मैं लेके आता हूँ, आप अच्छा नहीं लेती तो। मैं ATM हूँ जी। ले जी, बेटे की तरफ आते हैं ना जी। आपके वालिद पाकिस्तान की एक जानी मानी शख्सियत हैं, लेकिन बतौर वालिद आपकी उनके बारे में क्या राय है? जो हर एक बच्चे की अपने वालिद के लिए होती है, उसके लिए आइडियल होते हैं वो, ठीक है, वो उनको फॉलो करता है। तो मैं अगर आपसे ऑनेस्टली बोलूँ कि एक एज तक, सर्टन एज तक तो मैं इनको बकौल वालिद ही देखता था, जिसने मेरे साथ क्रिकेट खेलना, रेसलिंग करना, छोटे होते से पहली सपोर्ट हमारी रेसलिंग थी कॉमन, फिर क्रिकेट आई, फिर उसके बाद स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जनरल इश्यूज़ पे कॉन्फिडेंस देना कि भाई मैं कोई नहीं, गो अहेड,
पर यूनिवर्सिटी के बाद अब मुझे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑलमोस्ट एक डेकेड हो गया है प्रोफेशनल लाइफ में आए हुए. अब मैं देखता हूँ उनको वालिद की, मैंने आहिस्ता आहिस्ता फील किया कि उससे उस किरदार में इनको महदूद करना ना मेरा अपना लॉस होगा. तो मैं इनको, मेरे लिए तो एक वली अल्लाह है, ठीक है जी. और मैंने ख़ास तौर पे इनका तवक्कल जो है वो एक मशले राह पाया अपने लिए कि तंग से तंग हालात में भी और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अल्लाह ताला पे यकीन रखना जी, तो मैंने इनसे सीखा है. रूफ़ी साहब मिजाजन सख्त किस्म के बाप हैं या दोस्ताना रवैया रखते हैं? दोस्ताना शुरू से, लाइक पेरेंटिंग में मैंने देखा है कि जब आप पेरेंटिंग में जाते हैं तो कई चीज़ें आप वक्त के साथ सीखते हैं. बट मैंने पाया कि क्योंकि इनकी दोनों की एकेडमिक बैकग्राउंड थी तो इन्होंने थोड़ी सी रिसर्च भी मुताला भी किया पेरेंटिंग को लेके. तो मुताले के साथ साथ जब प्रैक्टिस आ जाती है तो वो पेरेंटिंग में ऑब्वियसली निखार आ जाता है. आप भी उनसे नातों की फरमाइश करते हैं? एज इन नहीं, हम भी नहीं करते फरमाइश आपसे. ख़ास तौर पे उम्रे पे जब हम होते हैं ना तो हम सब फरमाइश करते हैं. और जैसे कि जब मस्जिद नबी के मीनार नज़र आए, मरकूब अहमद हमदानी साहब की नात है ये, तो ये हम, मैं मतलब इनसे कहूँगा कि हम जब आप हरम की तरफ जा रहे होते हैं रस्ते में तो जब मीनार नज़र आने शुरू होते हैं तो ये लबैक से हम लोग फिर हल्का सा एक दो इस पे शिफ्ट कर जाते हैं. विदाई आपके सलाम के वक्त यहाँ होते हैं तो तब विदाई कलमात के वक्त हम मतलब रिक्वेस्ट करें या ये खुद समझ जाते हैं कि इस टाइम मुझे, तो ऐसे होता है. पर डेली रूटीन में हम लोग ऐसे नहीं होते, मतलब जैसे आप समझेंगे वसीम अकरम अपने बच्चों को सारी क्रिकेट खिलाता रहता, तो वो ऐसे ही है. एक्चुअली ये है पब्लिक प्रॉपर्टी, ये हमारे काबू नहीं आते. लें जी, जरा आप बहू से पूछते हैं ना जी. जी ये मेरी बहू भी है और हू बहू भी है. वाह वाह. एज ए फादर इन लॉ आपने रूफ़ी साहब को कैसा पाया? फादर इन लॉ तो जैसे होता है कि एक होता है कि बाहर फादर इन लॉ वाली कोई चीज़ भी नहीं, बिल्कुल फादर की तरह हैं. बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, तो बस वैसे ही हैं जैसे अहमद और जैनब के साथ है वैसे ही. आप रूफ़ी साहब के बारे में कोई ऐसी बात बताएं जो बहुत कम लोग जानते हों. ऐसी बहुत केयरिंग है, वो भी पता ही है, सॉफ्ट स्पोकन है. मियाँ की अगर शिकायत लगानी हो तो किसको लगाती हैं, अपने मदर इन लॉ को या फादर इन लॉ को? शिकायत कम ही लगाती हूँ, वो पूछते रहते हैं कि कोई शिकायत है या नहीं है, लेकिन शिकायतें आपस में दूर हो जाती हैं. अच्छा। यहाँ तक पहुँचती हैं. रूफ़ी साहब से नातों की फरमाइश करती हैं? मुझे तो जो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को वही बहुत पसंद है. मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, बहुत अच्छे. और मैं मुद्दत से सास पर जी रही हूँ. ये फेमिनिन स्टाइल की नात है. मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, खुदा कब बुला ले मुझे अपने घर में, खुदा कब बुला ले मुझे अपने घर में. मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ. नहीं है भरोसा कोई जिंदगी का, उसी को खबर है वो सब जानता है. बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले, बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले. मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ. अब एक छोटा सा कंपैटिबिलिटी टेस्ट हो जाए. रूफ़ी साहब का फेवरेट कलर कौन सा जी? रूफ़ी का फेवरेट कलर ब्लैक और वाइट. रंगीन दौर में भी हम ब्लैक एंड वाइट. रूफ़ी साहब खुश हों तो इजहार कैसे करते हैं? रूफ़ी खुश हों तो गुनगुनाते हैं. और नाराज हों तो गुस्सा कैसे निकालते हैं? गुस्सा शाउट करके, ऊंची बोल के.
रूफी साहब की पसंदीदा जगह कौन सी है? दुनिया में तो हर मैं नहीं है। लें जी रूफी साहब, अब आपका जरा इम्तिहान लेते हैं ना जी। बेगम का पसंदीदा कलर कौन सा है? इट वेरीज टाइम टू टाइम। इनका बस पसंद का एक ही, इनका जो जितनी एक्सपेंसिव चीज़ हो ना उतनी ज़्यादा पसंद है। ये ऐसे नहीं देख सकते इसकी क्वालिटी क्या, कीमत पूछेंगे अच्छा ठीक है फिर दे दो। बेगम साहब के पास किस रंग के सूट सबसे ज़्यादा है? सारे कलर्स ही हैं, बल्कि ऐसे भी होता है कि हम जाएं तो मैं खुद कहता हूं कि ये कलर आपके पास नहीं है तो ये भी ले लें। बल्कि रूफी हमेशा मुझे मतलब ये ले लो ये ले लो ये ले लो, और मैं कहती हूं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं लेना। शॉपकीपर जो है ना ये, वो कहते हैं कि आपका कपल जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर ख़वातीन कह रही होती हैं कि मुझे ये ले दें, तो हस्बैंड कहता है रहने दो फिर नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। हमारा हमेशा उलट होता है, मैं कह रहा था ये भी ले लो ये भी ले, कहते नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। बेगम खुश हो तो इजहार कैसे कर? इनका दिल करता होता है कि कहीं बाहर निकलें कहीं चलें। और अगर मूड अच्छा ना हो तो कैसे पता चलता है? ऐसा हुआ नहीं कभी कि इनका मूड अच्छा ना हो, ऑनेस्टली। जी बेगम की पसंदीदा डिश कौन सी? इनकी पसंदीदा डिश सैलड्स बड़े शौक से खाती हैं, और राइस, एक जो बंगाली होते हैं ना, बंगाली पेट भर के खाना खाया हो ना आप उसको कहें ना चावल खाएं वो खा लेंगे। अच्छा। तो मैं बंगाली हूँ। खाना खाया हो पेट भर के तो आप कहने के राइस आ गए, राइस खा लेंगे। अच्छा। हालांकि शी इज डायबिटिक।